स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से जो लोग रोजाना वीडियो देखते हैं उनका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो लेकर आए, वीडियो का नाम है UPPSC 2022 टॉपर सल्तनत परवीन डिप्टी कलेक्टर रैंक 06 का इंटरव्यू हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हमने सुना है कि भाई इनसे कठिन सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते आपका नाम सल्तनत है, क्या मतलब होता है सल्तनत का? टेल मी समथिंग, व्हाट इज गंगा जमुनी तहजीब? चैट जीपीटी में जीपीटी क्या है? और लखनऊ के लास्ट नवाब कौन थे? बड़े कठिन सवाल पूछे जाने हैं। मे कम प्लीज कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, प्लीज टेक योर सीट। चाहिए एक तरह का ना सल्तनत। राइट सर। वुड यू लाइक योर इंटरव्यू टू बी इन इंग्लिश और हिंदी? सर बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल, ओके। सल्तनत, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। सो माय नेम इज सल्तनत परवीन। I belong to Lucknow district of Uttar Pradesh and I have done my graduation in BTech Computer Science Engineering from Integral University in 2016. After that I'm in preparation and my hobbies are playing volleyball and upcycling. Okay. What is upcycling? So upcycling is a process in which unused or waste materials are innovated into and are given a new function which are more valuable and beautiful than the earlier one. Can you give me an example? For example, water bottles, mm-hmm, that can be re-innovated into a beautiful wind chime. Okay, so the value will go up. Yes sir. And abhi Pradhan Mantri ji ek conference mein gaye the aur unhone ek khas tarike ki jacket pehni thi. Ji sir. Bluish color ki thi. Kya khas baat thi usme? सर जो जैकेट सर ने पहनी थी प्राइम मिनिस्टर ने, वो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ था, प्लास्टिक वेस्ट से। तो जब प्रधानमंत्री ऐसे ही कोई जैकेट पहनते हैं वेस्ट मटेरियल से जी, तो क्या क्या मोटिव हो सकता है इसके पीछे, या सिर्फ ऐसे ही पहन ली उन्होंने? सर ऐसे तो नहीं पहनी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है, हाईएस्ट अथॉरिटी है कंट्री का। तो अगर उन्होंने कोई स्टेप लिया है तो वो डेफिनेटली कंट्री सिटीजन्स को एक मैसेज देने के लिए है टू गो इको फ्रेंडली। ठीक बात है। आपका नाम सल्तनत है, क्या मतलब होता है सल्तनत का? सर जब एक सुल्तान किसी टेरिटरी पे रूल करता है तो उस टेरिटरी को सल्तनत कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के मुझे जो रूलर्स हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए सर। दिल्ली या डायनेस्टीज बता दीजिए बस। सर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1193 से, और इसमें सबसे पहले गुलाम वंश था, उसके बाद सर आई थिंक खिलजी वंश था, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। सर क्रोनोलॉजी से मैं ऐसे बता, फिर तुगलक हैं, फिर सईद डायनेस्टी भी है सर, ये सब थे उसमें। और फिर लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी? सर लोधी। लोधी, और लोधी डायनेस्टी के बाद कौन आए? सर लोधी के बाद मुगल्स आ गए थे। मुगल्स आ गए। कौन सी बैटल हुई थी? बैटल और कहाँ हुई थी बैटल? सर पानीपत। पानीपत की थी, बट ये कौन सी बैटल थी, पहली थी दूसरी? सर ये फर्स्ट थी। पहली थी जी। ठीक बात है। और तो सल्तनत, आपने तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हुई है जी सर, और आजकल चैट जीपीटी इतना चर्चा में है जी सर, तो चैट जीपीटी में जीपीटी क्या है? सर चैट जीपीटी जो है एक चैट रोबोट है जो रिसेंटली डेवलप हुआ है। जीपीटी जनरेटिव प्रीएम्प्टिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। राइट सर। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर सर एक डिवाइस है सर, आई एम नॉट वेरी श्योर। चलिए कोई बात नहीं। किस कंपनी ने बनाया है इसको? सर यूएस बेस्ड एक कंपनी है, OpenAI। OpenAI उसने डेवलप किया। अच्छा, और आप तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, मुझे ये बताइए कि अगर हमको कोई AI को टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, कि मतलब लाइक हमको पता चले कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या इसके पीछे कोई ह्यूमन बीइंग है? जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, सोचिए ना चैट हो रही है, तो ये AI है या ह्यूमन बीइंग है, ये कैसे पता चलेगा? क्या कोई ऐसा टेस्ट है? जी सर, अभी वेबसाइट्स पे या ऐप्स पे एक ऐसा टेस्ट डेवलप किया गया है जिसमें कैप्चा होता है, तो कैप्चा के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर इट्स ह्यूमन बीइंग और अ रोबो। अच्छा, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहती हैं?
सर जब मैंने 12th पास किया था तो सिविल सर्विसेज मेरे माइंड में नहीं था उस वक्त. ग्रेजुएशन जो बीटेक है मेरा, ये इसमें एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर है प्लस जॉब से रिलेटेड लाइक ईजी है जॉब मिलना इससे, तो इसलिए मैंने बीटेक ऑप्ट किया था. बट जब मेरे ग्रेजुएशन के टाइम देन आई रियलाइज माई केपेबिलिटीज, जो कि सिविल सर्विसेज काफ़ी अलाइन करती हैं, जो वैल्यूज थी मेरी लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ये सब वैल्यूज. ये तो हर जॉब में आपको मदद करेगी, नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज. सर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक फैक्टर था वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया सिविल सर्विसेज की तरफ, और सिविल सर्विसेज सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो मुझे ये सब देता, एक अपॉर्चुनिटी देती जो अपने आसपास के सोसाइटी में चेंज ला सके इन ए प्रोग्रेसिव वे. सो अच्छा, और मुझे ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में जो तुर्की में भूकंप आया, इसके बाद भारत ने वहाँ हेल्प की जी, तो इसको जनरली हम लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भाषा में बोलें तो HADR ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है? तो क्या होता है HADR? सर फुल फॉर्म मैं नहीं श्योर हूँ, बट ह्यूमन रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ बोलते हैं. भारत ने ये जो ऑपरेशन किया उसका क्या नाम रखा गया? सर ऑपरेशन दोस्ती नाम रखा है. ठीक. सल्तनत, यू आर फ्रॉम लखनऊ. यस. टेल मी समथिंग, व्हाट इज गंगा जमुनी तहजीब? फ्रॉम गंगा जमुनी तहजीब, एज द नेम इंडिकेट, दिस आर द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट कल्चर्स, गंगा एंड जमुनी, और ये दोनों नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं, तो उसी से रिलेटेड है मैम. वहाँ के आसपास की जो सोशल हार्मोनी है, सोशल बॉन्डिंग है, जो रिलीजियस हार्मोनी है, ये उसको इंडिकेट करता है. सल्तनत, जस्टिस हेमंत गुप्ता सेइंग रिटायर्ड जजेस शुड नॉट ज्वाइन एनी पब्लिक ऑफिस, जी आप क्या सोचती हैं इस पर? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? मैम जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात है, मुझे लगता है जस्टिस जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको एक कूलिंग पीरियड देना चाहिए आफ्टर द रिटायरमेंट, और उसके बाद दे शुड बी अलाउड टू ज्वाइन. ओके. आप जब भी लखनऊ की बात होती है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट नवाब्स, ठीक है? आप मुझे लखनऊ की बेगम्स के बारे में कुछ बताइए. मैम अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बेगम हज़रत महल का नाम आ रहा है. उन्होंने 1857 में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था और उनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है. अच्छा, ये अपसाइक्लिंग और रीसाइक्लिंग में क्या कोई अंतर होता है? जी मैम, अंतर होता है. जो रीसाइक्लिंग है उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बिल्कुल डिग्रेड कर देते हैं, उसको ज़ीरो लेवल पर ले आते हैं, उसके बाद उसको नया प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं. जो अपसाइक्लिंग है, प्रोडक्ट वही रहता है, बस उसे थोड़ा इनोवेटिव तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं. अच्छा, ये जो डिबेट है NJAC वर्सेस कोलेजियम, राइट मैम, आपका क्या सोचना है उस पर? मैम जो कोलेजियम सिस्टम है, मुझे लगता है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिकॉज ये एक क्लोज डोर सिस्टम है और किसी भी डेमोक्रेसी में ये बहुत रेयर देखने को मिलता है कि जजेस ही जजेस की नियुक्ति का रिकमेंडेशन दे रहे हैं. तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है इसमें एक ओपन डोर होना चाहिए, तो इसके माध्यम से जिससे ट्रांसपेरेंसी आ सके, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो. ओके. सल्तनत, डोंट यू थिंक जुडिशरी पे हमेशा इतनी चर्चा होती है, जजेस कैसे होने चाहिए, सर्विसेज में कैसे होना चाहिए, आपको नहीं लगता कि जुडिशरी के लिए भी एक ऑल इंडिया सर्विसेज बना दी जानी चाहिए? मैम जहाँ तक बात है ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो वो स्टेट लेवल पर तो है, नेशनल लेवल पर मैम मुझे लगता है बना देनी चाहिए, क्योंकि इससे मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होंगे प्लस अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी जजेस, क्योंकि जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि जो जुडिशियल सर्विसेज हैं वो बड़ा तटस्थ रह के काम करने वाली चीज़ें हैं. तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, आप एक स्टेट में पैदा होते हैं दूसरे स्टेट में सर्विसेज देने जाते हैं जी, तो गुंजाइश है कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे आप, है ना? आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि करेंगे तो अच्छा होगा. क्या आप इसके कोई निगेटिव्स भी देखती हैं, या आपको लगता है कि अगर इसको बनाने का सोचा जाएगा तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी सिस्टम को, उनको क्या दिक्कतें आ सकती हैं? मैम जहाँ तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात है, इसमें चैलेंजेस ऑब्वियसली हर चीज़ में होते हैं, तो इसमें भी होंगे ही. इसमें जहाँ तक मुझे लगता है एक रिसोर्सेज का चैलेंज होगा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिशन कराना ये एक टफ टास्क है, तो ये एक है. प्लस इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरफेरेंस के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक जो बॉडी होगी जो अपॉइंटमेंट करेगी उसमें उसकी लाइक ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग काम होगा. ठीक है, थैंक यू सर. कंटिन्यूटी में मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज मेंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में? सर ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशनड है, जुडिशियल सर्विसेज नहीं मेंशनड है. जुडिशियल सर्विसेज मेंशनड नहीं है जी सर, जहाँ तक मुझे याद है. ऑल इंडिया सर्विसेज कहाँ पर मेंशनड है? सर ये राज्यसभा का अधिकार है. किस आर्टिकल? आर्टिकल नॉट वेरी श्योर सर. सर अगर अलाउ करेंगे तो मैं गेस करूँ. यस यस प्लीज सर. आई थिंक आर्टिकल 249 में है. 249 तो ये कहता है कि मतलब
यदि राज्यसभा कोई रिजोल्यूशन पास कर देता है 2/3 मेजोरिटी से तो पार्लियामेंट लॉ मेक कर सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को। जी सर, ये वाली बात है ना? जी। खैर कोई बात नहीं, आपका नाम सल्तनत है, आपने कहा कि सल्तनत जो है वह सुल्तान के द्वारा रूल्ड होता है। राइट सर। तो सुल्तान और बादशाह में कोई डिफरेंस है क्या? जैसे हम दिल्ली सल्तनत के रूलर्स को सुल्तान कहते थे जी, और बाद में हम मुगल बादशाह कहते थे, तो सुल्तान और बादशाह में कोई डिफरेंस होता है? सर मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। और नवाब को अगर काउंट कर लें तो नवाब और सुल्तान और बादशाह, नवाब की क्या कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स होती थी? नवाब किसको कहते थे? सर नवाब बेसिकली लखनऊ से ही जोड़ा जाता है, नवाब की नगरी लखनऊ को ही कहा जाता है। तो सर मुझे जो प्रॉपर डिस्टिंक्शन है वो मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा सर। अच्छा, और लखनऊ के लास्ट नवाब कौन थे? सर 1857 के टाइम जो हजरत महल ने जो लड़ाई लड़ी थी उनके जो बेटे थे बिरजीस कादरी, उनको नवाब घोषित किया गया था। इनफैक्ट मैं ये जानना चाह रहा था जी कि इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या है या सब एक ही चीज है, खास करके वर्ना या कास्ट की हम अगर बात करें और यूरोपियंस की अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो डिफरेंस क्या आता है? सर जो वर्ना शब्द है वो वर्ण से लिया गया है जिसका मतलब वर्क या प्रोफेशन होता है। वर्णों का अर्थ तो कलर होता है ना? सर वर्ण मीन्स कलर, वर्ना मीन्स कलर। सर वर्ण, वर्ण हाँ, वर्ण मीन्स कलर जी, नॉट क्लास। ओके, बिकॉज आर्यंस ये कहते थे कि जो यहाँ के लोकल्स हैं जी, इंडिजिनस हैं, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन से आते हैं और आर्यंस खुद को वाइट कॉम्प्लेक्शन की बात करते थे, तो अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने वर्ना सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। जी बेसिकली तो यही था ना? जी सर, जो मेजर डिस्टिंक्शन जो मुझे लगता है वरना एक प्रोफेशन बेस्ड डिस्टिंक्शन है, कास्ट जो है कास्ट में प्रोफेशन को उतना वैल्यू नहीं देता। ये पोस्ट वैदिक काल में कास्ट सिस्टम को रिजिड बना दिया गया था जिसमें आप बॉर्न होते हैं वही आपका कास्ट हो जाता है, फिर वही आपको प्रोफेशन चूज करना पड़ता है, तो कास्ट में मोबिलिटी के चांसेस कम होते हैं सर। वरना मेरिट बेस्ड होता है कास्ट, लाइक वो बर्थ की वजह से होता है सर। ओके ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर? सर कल्चर, कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल विच कंसिस्ट ऑफ बिलीफ्स, नॉलेज, आर्ट्स एंड एवरी अदर थिंग विच एन इंडिविजुअल इनहेरिट और अक्वायर्स बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ओके वेरी गुड, एंड यू लाइक टू प्ले वॉलीबॉल? राइट सर। ओके, सो हाउ मेनी प्लेयर्स पार्टिसिपेटेड इन वॉलीबॉल? सर देयर आर टोटल 6 प्लेयर्स इन वन टीम। 6 प्लेयर्स? राइट सर। ओके, एंड you want to play on which position? Sir, I like to play at the attacking position, which is number 4th. Number 4th. Right, sir. Very good. Okay. And volleyball ko promote karne ke liye koi abhi recent mein kuch prayas hue hain? Sir, sirf volleyball ke liye nahi, but as a whole, pure sports ko promote karne ke liye Khelo India Games. Cricket ko le lein ya kabaddi ko le lein, to jis tarah se लीग वगैरह को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या उस तरह से यहाँ पर है कुछ वॉलीबॉल के लिए? जी सर, डोमेस्टिक लीग्स बहुत सारे होते हैं। अभी इनफैक्ट लास्ट मंथ में साउथ इंडिया में एक वॉलीबॉल डोमेस्टिक लीग चल रहा था जिसमें कि अजीत लाल एक प्लेयर हैं, उनका नाम काफी उभर के। ये वाला ना, ये देख के मुझे याद है पाकिस्तान में भी ना एक टेस्ट वाला सीएसएस उसे कहते हैं, सीएसएस बोलते हैं और इसको यूपीपी एक जैसा ही होता है, पोजीशन होती है, बस उसका मतलब नाम चेंज है। यहाँ पे सीएसएस का एग्जाम बोलते हैं और यहाँ पे यूपीएस का एग्जाम बोलते हैं। और ये आपको पता है कि डिप्टी कमिश्नर बनते हैं या बाद में कमिश्नर बनते हैं सिर्फ ये एक इंटरव्यू के बाद, क्योंकि पढ़ाई इन्होंने बहुत ही ये मुश्किल पढ़ाई होती है जो ये करते हैं, और इसके बाद ये एक इंटरव्यू जो बंदा पास करता है ना, तो पता नहीं ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो पास करते हैं। ये टॉपर है और ये टॉपर रह चुकी है और ये फिर अभी डिप्टी कलेक्टर भी बन चुकी है, तो इस वजह से हमने आज उनका इंटरव्यू देखा है, तो काफी कठिन सवाल और ऑलमोस्ट उन्होंने सभी जवाब जो है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और एक अच्छे तरीके से थी। ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको पता हो ही जाते हैं लोग, लेकिन उन्होंने शांति से कूल होकर, मतलब ऐसा होता है ना कि घबराहट फेस पे होती है ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे शांति से। लेकिन एक दो सवाल में ऐसा थोड़ा सा लगा,
सवाल, क्योंकि आपको पता ही है इतना भी ज्यादा ज्ञान बंदे को नहीं कभी भी होता है। बादशाह और सुल्तान में मुझे लगता है कि ये फर्क होता है, क्योंकि हिस्ट्री में मेरा ख्याल है मैंने पढ़ा था कि बादशाह जो होता है ना वो एक जो एरिया होता है ना उसका वो मतलब जो हुकूमत जिसकी होती है वो बादशाह होता है, और जो सल्तनत होती है उसका मतलब ये होता है कि वो एक से ज्यादा जो मतलब एरिया होते हैं ना उन पे जो हुकूमत करता है उसको शायद सुल्तान बोलते हैं, मेरा ख्याल ऐसा है। अगर मैं ऐसे शायद ये भी हो सकता है, लेकिन आप जब ये इंटरव्यू देखा आपने वो आई है, एक नहीं होता कि यार आपको सिर्फ इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, उन्होंने अपना नाम बताया, उन्होंने उनके नाम से रिलेटेड से सवाल पूछ लिया आपके मतलब क्या नाम क्या, हिस्ट्री से पूछ लिया कि आप जिस इलाके से आई हैं, जिस स्टेट से आई हैं, यूपी से, इतने ज्यादा सवाल पूछ लेते हैं कि यार बंदे का दिमाग घूम जाता उस टाइम पे, अगर आता भी हो तो वो भी भूल जाता। लेकिन वैसे इन लोगों ने ये जो भी लोग इंडिया में ये यूपीएससी या पाकिस्तान में सीएसएस देते हैं ना बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टफ, बहुत ज्यादा दफा रह जाते हैं इस एग्जाम में, और ये पास हुई हैं भाई टॉपर भी रह चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा इनका इंटरव्यू देके, हमसे पूछे जाए हमें तो कभी ना आए इतने सवाल। नहीं वो तो एग्जाम की उन्होंने प्रॉपर तैयारी भी की होती है ना, उन्हें भी काफी हद तक ना अंदाजा भी होता है उन्हें कि यार हमसे ना हर एक किस्म का सवाल पूछा जाता है, वो जहां तक हो सके फिर वहां तक वो तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत ही एक आम इंसान नॉर्मल देखे ना इसको तो वो बहुत ही मुश्किल लगता है। तो मैंने पाकिस्तान के भी काफी ना सीएसएस के इंटरव्यू देखे तो वो भी ऐसे ही है जैसे किसी किस्म का भी वो आपसे सवाल पूछ लेंगे, आपको पता भी नहीं होगा तो वो पूछ के बैठ जाएंगे कि यार इन्होंने देखा ना जैसे बताया था वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है तो वो देखा उन्होंने पूछ लिया, अगर आप बता देंगे हमें क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो वो पूछेंगे जी वो क्या होती है यहाँ उसमें कितने हैं, या ऐसे पूछ लेते हैं कि इस साल में यहाँ वर्ल्ड कप हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का कप्तान कौन था, ये कौन था, क्योंकि आपने पहले बताया ना कि मुझे वो अच्छी पसंद है गेम, तो ये ऐसे ही होता है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत ही तेज दिमाग चाहिए इस इंटरव्यू के लिए, ज्यादा ज्ञान चाहिए, ज्ञान जितना हासिल किया जाए उतना ही कम है इस एग्जाम के लिए, तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। क्या आप में से कोई ऐसा हमें देख रहा है जिसने इस एग्जाम को पास किया और जिसने दिया हो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा हो प्लीज बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत मजा आया। तो चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।